मैं विश्व मोहन वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं वीएम वर्मा टेक्निकल से। जिंदगी दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी एक रेस की तरह है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी कोई रेस का हिस्सा नहीं है। कहते हैं कि जिंदगी, पूरी जिंदगी बस रेस ही लेना होता है, दूसरों को पछाड़ना होता है और खुद आगे निकलना होता और बहुत आगे जाना होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक रेस की तरह लेंगे तो बस आप रेस का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इस दुनिया का हर एक इंसान यूनिक है, उसके अंदर कुछ यूनिक गुण है, उसके अंदर यूनिक कैपेबिलिटी है। आप भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो दुनिया का कोई और इंसान नहीं कर सकता। अगर आप रेस में भागेंगे तो आप अपने उन कैपेबिलिटीज को खो देंगे। आप अगर सही में रेस लेना ही चाहते हैं तो अपने आप से रेस लीजिए। कल आप जो थे उस पर आज विजय पाइए, उसको हराइए जो आप कल तक थे। आपको पता है आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज इंसान वही जाना चाहता है जहां पर पूरी की पूरी भीड़ जा रही है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जहां पर पूरी की पूरी भीड़ जा रही है, आपकी सक्सेस रेट उतनी ही कम होगी वहां, क्योंकि वहां पर हजारों लोग जा रहे हैं जो आपसे भी बढ़कर हैं, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। और ये वहां पर कोई ये फिक्स भी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आज अधिकतम लोग यही चाहते हैं कि पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हो जाए, बस एक छोटी सी छोटी सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, फिर जिंदगी आराम से सेटल हो जाएगी। लेकिन आप अगर एक सिर्फ एक सरकारी नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो आपका टैलेंट है उसको आप दबा देंगे। पढ़ाई के अलावा भी ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां जाकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखे ही होंगे सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने क्रिकेट को ही अपना सपना बना लिया और उसी को अपना करियर बनाया। लेकिन इसमें आप जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में आपको मेहनत करने की उतनी ही जरूरत होगी, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी तरह से उसके प्रति डेडिकेट नहीं होंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो आप चाहे जिस भी फील्ड में जाना चाहें, बस पूरे डेडिकेशन के साथ जाइए और वहां जाकर अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए।